तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं। जो भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा, डिफार्मा से डिफार्मा, एमएलटी कर रहे हैं, वो बच्चे मेरे से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे थे एचएसपीटी एग्जाम रिगार्डिंग, प्रमोशन रिगार्डिंग, एग्जाम डेट शीट रिगार्डिंग, एग्जाम डेट रिगार्डिंग, तो उनका इस वीडियो के अंदर जवाब मिलने वाला है। अगर आप भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे होंगे तो आपका भी जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करना, इसी तरह फिर वीडियो बना के आपका भी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है अभिनव यादव का। इन्होंने पूछा है कि सर, रीअपीयर वालों का क्या होगा? रीअपीयर वालों का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एचएसपीटी बोर्ड ने रीअपीयर वालों का कुछ नहीं सोचा है, ना प्रमोशन का सोचा है, ना ऑनलाइन एग्जाम का सोचा है, ना ऑफलाइन एग्जाम का सोचा है। इनका जो रीअपीयर आया है, बैकलॉग है, उनको कैरी फॉरवर्ड करके दिसंबर में पेपर लेने का एचएसपीटी बोर्ड ने सोचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपांशु का। सर, प्रमोट नोटिस पीडीएफ प्रोवाइड कर दो प्लीज़। तो दीपांशु जी, मैं बता दूं कि जो नोटिस है, पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुका हूं और मेरे इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। मैं आप इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसी चैनल से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित का। सर, डी एम एल टी फोर सेम वालों का भी प्रमोट हुआ क्या? नहीं, जो डी एम एल टी के बच्चे हैं, डी फार्मेसी के बच्चे हैं, उनको प्रमोट नहीं किया गया है। डी एम एल टी के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रमोट नहीं किया गया, उनका पेपर ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा 9 तारीख से। जैसे डेट शीट आया है आपको, डेट शीट नहीं आया है, डेट आ चुका है, 9 तारीख से जैसे पेपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू पंडित का। तुमसे पहले ही देख लिया था, चलो थैंक्स सोनू जी, हमसे पहले इन्होंने नोटिस वॉच कर लिया था, सो थैंक्स। अगला क्वेश्चन है गौरव का। इन्होंने पूछा है कि सर, मैं 2017 बैच का हूँ, फोर्थ सेम में रीअपीयर है, प्रमोट होगा या नहीं? मतलब गौरव का कहना है कि मैं 2017 बैच का लड़का हूँ, क्या मुझे प्रमोट किया जाएगा या नहीं, फोर्थ सेम में रीअपीयर है? तो नहीं गौरव जी, मैं बता दूँ कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, और आपका जो बैकलॉग है वो कैरी फॉरवर्ड एचएसपीटी बोर्ड कर रहा है, और आपका जो पेपर है जो दिसंबर मंथ में कंडक्ट करवाएंगे तभी लिया जाएगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आनंद भारतीय का क्वेश्चन है 2017 बैच का क्या होगा? तो मैं बता दूँ कि जितने भी रीअपीयर वाले बंदे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उनका पेपर एचएसपीटी बोर्ड नहीं ले रहा है। ये बहुत गलती हरकत है, मतलब बोल सकते हैं बैड इफेक्ट बच्चे पे भी पड़ेगा, और बच्चे होंगे, बहुत बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे। तो दोस्तों, आपको इस तरह नहीं करना है। तो जितने भी बैकलॉग वाले बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन दिसंबर मंथ में ही होगा, एचएसपीटी बोर्ड ने इस बार अभी नोटिफिकेशन में क्लियर कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद सलाम का। सर, डी फार्मेसी का क्या हुआ, एग्ज़ाम प्रमोशन होगा? नहीं, डी फार्मेसी का पेपर होगा ऑफलाइन मोड में होगा 9 तारीख से, मैंने पहले ही बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रीअपीयर का भी एग्ज़ाम होगा 6th सेमेस्टर का, जिसका 5th सेमेस्टर में रीअपीयर है उसका प्लीज रिकमेंड में। तो मैं बता दूँ, जो 6th सेमेस्टर का जो रीअपीयर है उनका पेपर हो सकता है, मे बी जो बच्चे पास आउट है, डिप्लोमा पास आउट है, उनका 6th सेमेस्टर में पेपर है। अगर आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है जो रेगुलर वाले सब्जेक्ट से, जो भी रेगुलर वाले बच्चे डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, अगर उससे सब्जेक्ट आपका मैच कर रहा है तो पेपर हो सकता है। मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ दोस्तों, आप एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेना, लेकिन आपका पेपर होने के चांसेज हैं 6th सेमेस्टर का, तभी होगा जब आपका सब्जेक्ट मैच करेंगे रेगुलर वाले बच्चे के साथ, तो आपका पेपर हो सकता है 6th सेमेस्टर का। और जो 5th सेमेस्टर का है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और 5th सेमेस्टर का पेपर होने के चांसेज 1% नहीं है, आपके पेपर दिसंबर मंथ में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सेकेंड ईयर एंड फोर्थ सेमेस्टर शेड्यूल वालों का प्रमोशन हुआ क्या? तो मैं बता दूं कि सेकेंड ईयर एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रमोशन होगा, ओनली रेगुलर का प्रमोशन होगा, रीअपीयर का नहीं होगा। अगर रेगुलर के बच्चे हों सागर जी, तो आपको प्रमोट कर दिया गया है। अगर आपका रीअपीयर है, बैकलॉग है, तो आप प्रमोट नहीं हो। अगर आप रेगुलर के बच्चे हो तो क्लियर कट प्रमोट होगा। अगर जिस बच्चे का फोर्थ सेम में बैकलॉग है, तो वो बच्चे फोर्थ सेम के रेगुलर के साथ सब्जेक्ट एक बार मैच कर ले, मे बी उनका पेपर हो सकता है, लेकिन 100% मैं कन्फर्म नहीं हूँ। सर, पिल का एग्जाम मोड बदलवा दो सर। तो ये इनका कहना है कि हरी कृष्णा कौशिक का, पिल से एचएसपीटी का एग्जाम मोड चेंज हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अभी एचएसपीटी का जो हेयरिंग डेट है हम लोगों को मिला है 30 के आसपास है, हेयरिंग जैसे आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सुनील पंचायत का क्वेश्चन है, सर अच्छा नहीं हुआ डी फार्मेसी वाले के साथ? बिल्कुल सुनील जी, जो डी फार्मेसी है और डिप्लोमा 6th सेम के वाले स्टूडेंट है, रीअपीयर वाले स्टूडेंट है, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। थैंक्स एचएसपीटी, थैंक यू मेरे साथ बहुत दिनों से बने हैं MYN की पॉप जी ने, सो थैंक यू आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपाल श्रीवास्तव का। सर, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं भरा, अब जाकर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। भाई धीरे बोलो दोस्तों, इनका कहना है कि आप धीरे बोलो।
तो ये मैं बता दूँ कि यूट्यूब के अंदर एक फीचर दे रखा है, अगर मैं फास्ट बोलता हूँ तो आप स्लो करके देख लेना, क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ गया, मतलब ऐसा टाइम आ गया है कि आप कम से कम समय के अंदर आप चाहते हो कि मेरा काम हो जाए, तो मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी बोलता हूँ ताकि आप उस वीडियो को कम समय में देख पाओगे और नोटिफिकेशन गेन कर पाओगे। अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो आप यूट्यूब में एक फीचर है उससे आप स्लो कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों मैं आपसे स्लो ही बोलूँगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हेट HSPT, बिल्कुल हेट करना चाहिए, जैसे कि अभी प्रमोशन नहीं मिला है रीएपी वाले बच्चों को और सिक्स सेमेस्टर डिप्लोमा एंड डिफार्मेसी वाले बच्चों को, तो आप हेट कर सकते हो, मतलब बहुत बैड हैबिट है HSPT का। सर फोर्थ सेमेस्टर का कैसे, सर फोर्थ सेम को किस बेस पे पास करेगा गौरव, तो गौरव जी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। मैं अच्छे से बताया हूँ 50% असाइनमेंट एंड 50% जो आपके सेशनल मार्क्स आए हैं उस पे बेसिस पे आपको पास करेगा। सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, लेटेस्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे की तरफ से, और भी कोई क्वेश्चन था लेकिन कॉमन क्वेश्चन था, मैं इनका जवाब नहीं दे पाया हूँ, लेकिन सारा का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर फिर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करना, से मिलता है अगले वीडियो के अंदर, तो टेक केयर एंड बाय।